नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेंटिंग फाइन आर्ट क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4/7, यानी कि जो कुछ बुक है उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 7 है। और क्योंकि मिड टर्म में जो आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 4 है, अजंता की कला या अजंता की गुफाओं में कला। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मिड टर्म में आपके चार ही चैप्टर 11th क्लास के आ रहे हैं। एक है प्रागैतिहासिक शिलाचित्र, दूसरा सिंधु घाटी की कला, तीसरा गुप्त मौर्य सुंग कुषाण काल की कला, और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर आपका आ रहा है वो है अजंता की कला। तो अजंता की कला चैप्टर हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी तीनों टॉपिक्स पर वीडियो अवेलेबल है शिक्षा प्रवाह चैनल पर, आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस लिंक की मदद से वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसी के साथ बेटा, अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं तो आप शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप लोग देख पाएंगे आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस, मॉडल टेस्ट पेपर्स, CBSE सैम्पल पेपर्स और एग्ज़ाम के बारे में बाकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। शुरू करते हैं ये वीडियो। तो हमारी जो इंडियन आर्ट है, और वो भी जो प्राचीन भारतीय कला है, उसके अंदर अगर हम बात करते हैं स्वर्ण काल की। स्वर्ण काल मतलब एक ऐसा पीरियड जिस समय कला का चहुं दिशाओं से विकास हुआ, तो वो वाला टाइम पीरियड था गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ा है, तो उस गुप्त काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ। अगर हम कहें कि हमारी प्राचीन कला में सबसे सुंदर चित्र अगर कहीं पे बने हैं तो वो अजंता में बने हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे सुंदर चित्र अजंता में बने हैं। ठीक है, हम इसको चित्र क्यों कह रहे हैं, एक तरह से हम इनको चित्र या भित्ति चित्र भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो चित्र बने हैं वो बड़े आकार में बने हैं और भित्तियों पर बने हैं। भित्ति यानी कि दीवारों पर बने हैं, इसलिए इसको भित्ति चित्र बोला जाता है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। अजंता का जो समय था बेटा, ये लगभग 850 वर्षों में अजंता की गुफाएं बन करके तैयार हुई, यानी कि चित्रित हुई। ये 30 गुफाएं थी। ठीक है, और ईसा की दूसरी शताब्दी से लेकर के 650 ईस्वी तक इन गुफाओं का काम चलता रहा, यानी कि 850 साल तक यहाँ पर गुफाएं बनती रहीं। अब आप लोग कहोगे जी 850 साल तक तो गुप्त काल चला नहीं था, तो तुम लोग बिल्कुल सही हो। गुप्त काल 850 सालों तक नहीं था। गुप्त काल का पीरियड तो 320 ईस्वी से शुरू होता है और अपना आपका लगभग 650 ईस्वी पर गुप्त पीरियड का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अजंता की जो गुफाएं इस पीरियड में बनी हैं, यानी कि 30 गुफाएं जो हैं, उन 30 में से जो कुछ गुफाएं हैं जो गुप्त काल में बनी हैं, वो बहुत सुंदर हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अजंता की सबसे अच्छी गुफाएं, जिनके अंदर सबसे अच्छी चित्रकारी हुई है, वो गुप्त पीरियड की है। अजंता के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अजंता एक महान कला धरोहर है, इसकी गुफाएं शिल्प कला की अद्भुत उदाहरण हैं। इसमें सुंदर मूर्तियां और सौंदर्य से भरपूर चित्र मिलते हैं। असल में भारतीय कला के इतिहास की गौरवपूर्ण शुरुआत अजंता के भित्ति चित्रों से ही हुई है। विद्वानों का मानना है कि ऐसे सुंदर चित्र उस काल में दुनिया में कहीं और बनाए ही नहीं गए थे, इसलिए भारतीय कला का स्वर्ण युग भी अजंता की इन गुफाओं को कहा जाता है। भगवान बुद्ध के शिष्यों ने कई स्तूप, चैत्य विहार पूरे भारत में बनवाए, जिसमें कि कुछ हैं भाजा, कार्ले, कान्हेरी, अजंता। ये सारे के सारे भगवान बुद्ध की कला, मतलब भगवान बुद्ध से संबंधित, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित कला इन गुफाओं में बनी है। अजंता में भी बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने हैं, जातक कथाएं बनी हैं। जातक कथाएं कौन सी होती हैं? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं बोलते हैं, और इन जातक कथाओं की संख्या
547 बताई जाती है। अब इसके बाद अजंता गुफाओं की खोज किसने की बेटा? तो 1817 ईस्वी में कुछ ब्रिटिश सिपाही जो हैं वो शिकार की खोज में गए थे, तब उन्होंने घोड़े की नाल के आकार, घोड़े की नाल कैसी होती है बेटी, ऐसे उल्टा यू आप कह सकते हो उसको, थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ जैसे आधा चंदा होता है ना, इस तरीके से आकार की संकरी घाटी में औरंगाबाद के निकट इन गुफाओं को देखा। और इसी दिन से अजंता की गुफाओं ने विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। किस कारण से? इसके अंदर बने हुए भित्ति चित्रों के कारण से। अब जहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर स्थिति कैसी है, किस समय इनकी खोज हुई, किस समय की हैं ये, वो सारी चीज़ें। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बेटा ये स्थित हैं। एक 300 फीट ऊंची पहाड़ी जो कि अर्धचंद्राकार है या घोड़े की नाल की आकार है, वहाँ पर ये बनी हुई है। और उसके पास में ही एक झरना बहता है और नीचे एक बड़ी सुंदर फूलों की घाटी है और वहाँ पे हार श्रृंगार के सुंदर फूल खिलते हैं और बड़ी मनमोहक खुशबू उन फूलों से निकल करके आती है। ठीक है, वहाँ पर ये 30 गुफाएं हैं बेटा जिनके अंदर बौद्ध भिक्षुओं ने चित्रकारी की थी। दूसरी शताब्दी से लेकर के लगभग 7वीं शताब्दी तक 650 ईस्वी तक यहाँ पर चित्रकारी होती रही। चित्रकारी जो हुई उसके दो चरण बताए गए हैं। जो पहला चरण है वो है हीनयान बेटा, हीनयान और महायान। ठीक है, एक है हीनयान और दूसरा है महायान। तो बौद्ध धर्म की बेटा दो शाखाएं होती हैं, जैसे जैन धर्म की दो शाखाएं होती है ना, श्वेतांबर और दिगंबर, उसी तरह के से बौद्ध धर्म की भी दो शाखाएं होती हैं जिसको हम हीनयान और महायान कहते हैं। हीनयान शाखा वो होती है जिसके अंदर महात्मा बुद्ध को एक महात्मा यानी कि दिव्य पुरुष बताया गया है, यहाँ पर उनको भगवान नहीं माना है। ठीक है, एक दिव्य पुरुष माना गया है और उन्होंने जो शिक्षा दी है उस शिक्षा को ये लोग फॉलो करते हैं, उनके बताए हुए कदमों पर ये लोग चलते हैं। तो इस वाले समय में महात्मा बुद्ध की जो है पूजा नहीं होती थी, कोई मूर्ति नहीं बनती थी, कोई चिन्ह नहीं थे। ठीक है, चिन्ह थे, मूर्ति नहीं थी। और चिन्ह कौन से थे, जैसे बुद्ध की पादुकाओं की पूजा हो रही है या फिर बुद्ध का जैसे उनकी जो कथाओं से रिलेटेड है, जैसे कि उनको एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोधि वृक्ष की पूजा हो रही है। तो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए प्रतीकों के आधार पर ये लोग पूजा करते थे और भगवान बुद्ध को एक दिव्य पुरुष मानते थे। तो हीनयान काल वो एक पीरियड था और ये हीनयान काल कब ख़त्म हुआ, ये ख़त्म हो गया कुषाण काल में। ठीक है, जब तृतीय बोध संगति हुई थी। तो तृतीय बोध संगति में बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा निकल के आई जिसको नाम दिया गया महायान। ठीक है, महायान में क्या होता है कि बुद्ध को भगवान की संज्ञा दे दी जाती है। अब यहाँ से बुद्ध को भगवान बुलाया जाने लगा, बुद्ध भगवान हो गए तो अब उनकी मूर्तियाँ भी बनने लगीं और उनके चित्र भी बनने लगे। तो अजंता की कुछ गुफाएं तो ऐसी हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध के सिर्फ चिन्ह हैं। ठीक है, जैसे कि गुफा संख्या 8, 9, 10, 13 और 15, 15A और 15B क्या है कि ये जो गुफाएं हैं ये वैसे तो 30 हैं लेकिन ऐसे नंबरिंग जो है वो 29 तक पड़ी हुई है और दो गुफाओं पे पड़ा हुआ है 15A और 15B। क्यों? क्योंकि जब इन गुफाओं की गिनती हो रही थी तो एक गुफा बीच में मिस हो गई थी, तो 15 के बाद सीधा 16 नंबर इस तरह से दे दिया। तो बाद में जब वो गुफा दिखी तो उसको नाम दिया गया 15B। ठीक है बेटा, तो इस तरह से करके वो 30 गुफाएं हैं और ये जो 8, 9, 10, 13 और 15 हैं ये हीनयान दौर में बनाई गई हैं। कुषाण पीरियड और उसके बाद गुप्त पीरियड में जो गुफाएं बनी हैं वो महायान संप्रदाय से संबंधित हैं और इसी समय में जो चित्रकारी हुई है वो सर्वश्रेष्ठ हुई है। और वो जो गुफाएं जिनके अंदर सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी हुई है वो है 16, 17 और 19। ठीक है बेटा, ये था दूसरा चरण। और ये किस शासकों के समय पे हुआ, सातवाहन, वकटक और चालुक्य शासक, इन्होंने
बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए अजंता में चित्रकारी कराई। सबसे सुंदर जो चित्रकारी हुई वो वाकाटक काल में हुई। अब जब हम अजंता गुफाओं की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, दो वर्ण हैं, एक है चैत्य गुफा और एक है विहार गुफा। देखो बौद्ध भिक्षु जिस स्थान पर पूजा अर्चना करते हैं उसको बोल देते हैं चैत्य, और जिन गुफाओं में वो निवास करते हैं, रहते हैं, सोते हैं, उनको बोल देते हैं विहार। तो अजंता में कुछ गुफाएं तो चैत्य गुफाएं हैं, यानी कि जिनकी पूजा अर्चना की जाती थी, और कुछ गुफाएं हैं विहार गुफाएं। तो चैत्य गुफाएं कितनी है? 5 हैं। और कौन कौन सी? 9, 10, 19, 26 और 29। ये जो गुफाएं हैं ये चैत्य गुफाएं हैं, और बाकी जो गुफाएं हैं वो विहार गुफाएं हैं। ठीक है, ये था चैत्य और विहार। गुफाओं की संख्या बेटा मैंने आपको बता ही दिया कि 29 गुफाएं हैं, जिसमें से कुछ चैत्य हैं और कुछ विहार हैं। कुछ गुफाएं अभी भी अधूरी हैं, जिनको पूरा नहीं किया गया है। इसके अंदर गुफा नंबर 17 जो है, मैंने बताया था सबसे अच्छी गुफाएं 16, 17 और 19, तो उसके अंदर सबसे सुंदर जो गुफा है वो गुफा संख्या 17, जिसके अंदर बहुत अच्छे चित्र बने हुए हैं। अब गुफाओं के जो प्रकार हैं दो, तो वो मैंने आपको बता ही दिया, चैत्य और विहार। ठीक है, विहार गुफाएं यानी बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह और पूजा स्थल चैत्य, 9, 10, 19, 26, 29, और विहार गुफाओं की संख्या है 1, 8, 11, 18, 20, 28, 30। अब बात कर लेते हैं अजंता के भित्ति चित्र और भित्ति कारीगरी तकनीक की। तो अजंता के जो भित्ति चित्र हैं वो बने हुए हैं टेम्परा शैली में। अब टेम्परा शैली क्या होती है? जो जल रंग होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। आप देखो, आपने पेंसिल से कोई ड्राइंग बनाई और उसके अंदर वाटर कलर करना, तो वो जो पेंसिल है वो दिखेगी, कलर के नीचे से दिखेगी, चाहे आप कोई भी कलर करेंगे। उसी तकनीक को अपारदर्शी अगर हम बना देते हैं, अपारदर्शी बनाने के लिए ये लोग क्या करते थे वो मैं आपको भी बताऊंगी, उन्हीं कलर को अगर हम अपारदर्शी कर देते हैं तो वो हो जाती है टेम्परा तकनीक, और वो कलर जो हैं जल्दी से छूटते नहीं हैं, चिपक जाते हैं। तो दीवारों पर वो कलर बने रहे, इसके लिए वो लोग क्या करते थे, पहले तो दीवार की सतह को खुरदुरा करते थे, और फिर जो कलर होते थे पहले खुरदुरा करने के बाद दीवार पर प्लास्टर कर दिया, किससे, पत्थर का चूरा कर दिया, गोबर धान का भूसा मिला दिया, इस तरह से उन्होंने 1.5 से 2 इंच की परत वहाँ पे चढ़ा देते थे। अब प्लास्टर हो गया, अब फिर उसी प्लास्टर पर क्या करते थे, वो कई बार तो गीले प्लास्टर पे ही चित्र बना देते थे, और कई बार उस प्लास्टर को सूखने का इंतजार करते थे, उस पे चित्र बना के रंग भर देते थे। तो जब वो गीले प्लास्टर पे रंग भरते थे तो क्या होता था, जो रंग था उसको वो अंदर सोख लेते थे। तो ये तकनीक कहलाती थी फ्रेस्को बूनो। और जब वो सूखे प्लास्टर पर चित्र बनाते थे और रंग भरते थे तो क्या होता था, वो कलर ऊपर रह जाता था, उसको अंदर नहीं पी पाते थे, तो फ्रेस्को सीको कुछ दिनों बाद रंग हल्का पड़ने लगता था बूनों की अपेक्षा। तो ये वाली तकनीक कहलाती थी फ्रेस्को सीको। तो अब ये तुम लोगों ने यहाँ पे देखा कि प्लास्टर कर दिया, रंग बना दिया गीली भित्ति पे, भूरी भित्ति पे, और रंग को चिपकाने के लिए उसके अंदर वो पेड़ की गोंद भी मिलाया करते थे। ये था आपका उन लोगों का रंग भरने का और अपना जो धरातल है यानी चित्र जहाँ पे बनाएंगे उस चीज़ को तैयार करना। कौन से रंग अजंता वाले प्रयोग में लाते थे? अजंता वालों से यहाँ पे मतलब है बौद्ध भिक्षु जिन्होंने अजंता की गुफाएं बनाई हैं, तो वो खनिज रंगों का प्रयोग करते थे। ठीक है बेटा, और खनिज रंग हमको किससे मिलता है? पत्थरों से मिलता है, चट्टानों से मिलता है। तो उन्होंने बासाल्ट चट्टान से तो हरा रंग लिया, चूना से उन्होंने सफ़ेद रंग लिया, नीला रंग उन्होंने एक लैपिस लाजुली नामक पत्थर होता था उससे लिया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने हिरोंजी से लाल लिया। इस तरह से उन्होंने धरती से ही खनिज रंगों को प्रयोग में लाया। अब बात आ जाती है, उन्होंने कुछ वानस्पतिक रंग भी प्रयोग में लाए थे। वानस्पतिक रंग कौन से होते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रंग वानस्पतिक कहलाते हैं। इन रंगों में क्या करते थे, वो जानवरों की चर्बी मिला लेते थे, गोंद मिला देते थे इनको, ऐसे क्या करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए।
और उसके बाद इन रंगों का प्रयोग वो अपने चित्रों में करते थे, जिससे कि वो लंबे समय तक टिके रहते थे। अब एक चीज़ है यहाँ पे, भित्ति चित्र और भित्ति खंडों में क्या अंतर है। ठीक है, भित्ति चित्र को इन्होंने फ्रेस्कोस बोला है। कौन सा फ्रेस्कोस? वही फ्रेस्को सिको और फ्रेस्को ब्रूनो। और बात आ रही है म्यूरल्स में क्या अंतर है। तो भित्ति खंड वह चित्र है जिसे सीधे दीवार या छत पर चित्रित कर दिया जाता है, किसी भी कला सतह पर, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, और ये एक हो जाता है। दूसरी तरफ भित्ति चित्र क्या होता है कि उसके लिए पहले दीवार पर प्लास्टर तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फ्रेस्को सिको और बूनो के लिए किया जाता था। बस यही अंतर होता है भित्ति चित्र में और भित्ति खंड में। एक तरह से हम भित्ति चित्र को भित्ति खंड बोल सकते हैं, परंतु भित्ति खंड को कभी भी भित्ति चित्र नहीं बोला जा सकता। अब अजंता के चित्रों की क्या विषय वस्तु थी? तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म पर संबंधित चित्र बने हैं। बौद्ध धर्म की 547 जो जातक कथाएं हैं उस पर चित्र बने हैं। तो यही एक चीज़ है जिन पर अजंता में चित्र बने हुए हैं। बुद्ध के जीवन पर, उनके उपदेश पर, उनकी बुद्धि पर, उनके चरित्र पर, उनके त्याग, सेवा, समर्पण पर, इन पर चित्र बने हुए हैं, जातक कथाओं पर। कलाकार ने अजंता में जो चित्र बनाए हैं उसके अंदर भगवान बुद्ध के जीवन को और पूर्व जन्म के जीवन को चरितार्थ किया है एक तरीके से। और इनमें से कुछ चित्रों के अगर तुम नाम देखोगे तो उसके अंदर है पद्म पाणि बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, मरणासन राजकुमारी, काली राजकुमारी। ये कुछ ऐसे फेमस चित्रों के नाम मैं आपको बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है बैलों की लड़ाई, तो ये गुफा संख्या 1 का चित्र है। अब जो गुफा हैं अजंता की जिसके अंदर हमें चित्र मिले हैं वो हैं 9, 10, 19, 26 और 29। 9, 10, 16, 17 और 1, 2। 1, 2, 9, 10, 16, 17 इन गुफाओं में हमें चित्र मिले हैं अजंता के। और हर गुफा में जो चित्र मिले हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे काली राजकुमारी का चित्र गुफा संख्या 2 में मिला है, है ना। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी मिला है। पद्म पाणि बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में मिला है। तो इतनी डिटेलिंग में खैर आपको नहीं जाना है, इतनी डिटेलिंग में आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अगर देखा जाए तो अजंता के जो चित्र हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, अलंकृत, भावनात्मक और विवरण प्रधान। प्रथम श्रेणी में अलंकृत में आ जाएगा पशु पक्षी, फूल, लताएं, देव पुरुष, गंधर्व, अप्सराएं, ये सारा। द्वितीय श्रेणी में बुद्ध, बोधिसत्व, राजा, रानी, बुद्ध की जो भंगिमाएं हैं वो सब। और तीसरी श्रेणी में आ जाएंगे उनके नाटक कथाएं, जातक कथाएं। ठीक है, और ये बहुत अधिक मात्रा में बने हुए हैं, तीसरे प्रकार के चित्र। अजंता चित्रों के लक्षण की बात की जाए या फिर विशेषताओं की, अगर पूछा जाए कि अजंता चित्रों की क्या विशेषताएं हैं, तो ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ये सारी की सारी अजंता चित्रों की विशेषताएं हो जाएंगी। सबसे पहले आ जाएगा रेखाओं का सौंदर्य। तो अजंता का जो रेखांकन है वो सर्व प्रसिद्ध है। इतना सुंदर रेखांकन संपूर्ण भारतीय कला में या भारत के बाहर की कला में हमें कहीं भी देखने नहीं मिलता जो अजंता में मिलता है। अजंता प्रसिद्ध है अपने रेखांकन के कारण। वैसे तो सारी ही चीज़ें अजंता में उच्च कोटि की हैं, लेकिन अजंता का जो रेखांकन है वो सर्वोपरि है। बहुत रेखाओं के माध्यम से ही ना कलाकारों ने चित्र में छाया में प्रकाश दिखा दिया। एक ही रेखा को पतला में मोटा कर दिया, बहुत लयदार, बहुत सशक्त और बहुत गतिशील रेखांकन किया है अजंता के कलाकारों ने। दूसरा, भावनाओं की अभिव्यक्ति। भाव मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी कृति की आत्मा होती है। इससे पहले चैप्टर में जब हम गांधार शिल्प को पढ़ रहे थे तो उसमें गांधार शिल्प में क्या था, भाव नहीं थे, इसलिए उनको आत्मा रहित पुतले बोल दिया था आनंद कुमार स्वामी ने। और अजंता के जो चित्र हैं वो अपने भावों के कारण प्रसिद्ध हैं। इसके अंदर आप बहुत सारे चित्र देखेंगे तो वहाँ पर क्या है कि मतलब भाव देखने से ही, मतलब चित्र के सिर्फ भाव देखने से ही पूरी की पूरी
कथा, पूरी की पूरी गाथा समझ आ जाती है। तीसरा है प्रतीकात्मक चित्र। अजंता में बहुत अधिक मात्राओं में प्रतीकात्मक चित्र बने हैं और बहुत सारी जो कहानियां हैं वो प्रतीकों के रूप में वहां पर चित्रित की गई हैं। चौथा है कवित्व और साहित्यिक भाव से प्रेरित शारीरिक आकार। इतने सुंदर शारीरिक आकार, इतनी सुंदर शारीरिक छवि वहाँ पर कलाकार ने प्रस्तुत की है। महिला चित्र सबसे सुंदर बने हुए हैं अजंता में। महिला को जहाँ पर भी दिखाया है सुंदर दिखाया है। अगर कहीं पर भय या मृत्यु के कारण महिला के चेहरे पर कुरूपता आ रही है तो कलाकार ने उस चेहरे को ही छुपा दिया है। इतना सुंदर अंकन अजंता के कलाकारों ने किया है। जितना सुंदर किसी कवि की कविता में महिला को बताया जाता है या साहित्यकारों ने बताया है, उस सुंदरता को अजंता में जाकर के देखा जा सकता है। जैसे उंगलियां जो बनाई हैं उन्होंने कमल की पंखुड़ियों के समान बनाई है, ठीक है, हाथ कली के समान कोमल बनाए हैं। पांचवा है कहानी की निरंतरता से वाचन। अगर उन्होंने कोई जातक कथा का चित्रांकन करना शुरू किया है तो वो कथा लगातार चित्रों के माध्यम से आगे तक बढ़ती जाएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सामने कोई कहानी या चलचित्र चल रहा है। गणितीय तकनीक सही चित्रों के लिए, मतलब चित्रों का जो अनुपात है वो बिल्कुल सटीक है, बढ़िया है। कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि इस मानव आकृति का हाथ अनुपात से कुछ अधिक लंबा या छोटा है। सातवां है मुख्य मूर्तियों का वास्तविकता से बड़ा स्वरूप। बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, प्रभाविता का सिद्धांत बोलते हैं। कला के जैसे छह सिद्धांत होते हैं तो उसके अंदर एक होती है प्रभाविता, जिसके अंदर मुख्य आकृति को हम कुछ मुख्य तरीकों से स्पेशल दिखाते हैं जिससे वो ऐसे प्रभाविता का सिद्धांतों की मदद से उस मुख्य प्रतिमा को ऐसे मेन मूर्ति दिखाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, चटक रंग भर देते हैं, आकार में बड़ा बना देते हैं, सेंट्राइज कर देते हैं उसको। तो ये विशेषता, इस चीज़ का भी ध्यान अजंता के कलाकारों ने अपनी कला में रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट है नारी का आदर्श रूप। तो ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो नारी है वो बहुत ही सुंदर उन्होंने बनाई है ना, उसको कहीं पर भी अगर उन्होंने बनाया है तो सुंदर ही बनाया है। यहाँ तक कि छत पर भी सजावट अजंता के कलाकारों ने की है। दीवारों पर तो चित्र बनाए ही बनाए हैं, छत को भी खाली नहीं छोड़ा है उन्होंने, उसको भी अलंकृत किया है। रंगों की योजना, सीमित रंगों में विभिन्न रंग योजना जो है अजंता के चित्रों में देखने मिलती है। जैसे कि लाल रंग की बहुत सारी टोन आपको वहाँ मिल जाएंगी। जो भी रंग प्रयोग में लाया है उनको मिश्रित रंग बना करके, मतलब कलर को मिक्स करके बहुत सारी टोन कलाकारों ने वहाँ पर दिखाई है। त्वचा के लिए, मतलब अलग अलग जनसंख्या दिखाने के लिए त्वचा के रंगों का प्रयोग किया है। मतलब उन्होंने जो चित्र में जो जैसे स्त्री पुरुष बनाए हैं तो उनका जो स्किन कलर है ना उसके अंदर भी विभिन्नता, मतलब बहुत सारा विकल्प रखा है, अलग अलग रंग भरे हैं स्किन के लिए भी, ठीक है। अब बात 11 पॉइंट है यहाँ पर जीवन की विविधता। तो अजंता में देवी से शारीरिक और राजसी से लेकर निर्धन तक समाज के सभी स्तरों को चित्रित किया गया है और सुंदरता से चित्रित किया गया है। जीवन के सभी पहलू जैसे जीना, खेलना, सोना, श्रृंगार करना, इन सभी विषयों पर चित्रांकन किया गया है। केश सज्जा, अजंता के चित्रों में साधारण से गूण केश सज्जा, यानी कि बाल खुले हुए, जूड़े बंधे हुए, चोटी बनी हुई अलग अलग तरीके से, और फिर उन पर आभूषणों का श्रृंगार भी किया गया है। केस सज्जा भी वहाँ पर एक जैसी नहीं है, मतलब केस सज्जा में भी विभिन्नता है। युद्ध के दृश्य, जहाँ एक और अजंता कलाकारों ने चिंतन, प्रवचन, करुणा, कोमल भावों का चित्रांकन किया है, उसी प्रकार उन्होंने युद्ध का दृश्य भी बनाया है। गुफा नंबर 17 में उन्होंने एक युद्ध का दृश्य बनाया है जिसमें 300 चेहरे चित्रित किए गए हैं और उन सब की मुख मुद्रा अलग अलग है।
गुफा संख्या एक में भी जो उन्होंने दो बैलों की लड़ाई चित्र बनाया है वो उसमें भी उन्होंने बहुत ही सजीवता से उस चित्र को अंकित किया है। गहराई का भ्रम, गहराई का भ्रम पैदा करने के लिए उन्होंने क्या किया है, बिंदु लगाकर रेखाएं डाली थी, जिससे क्या होता था कि आकृति में उभार आ जाता था, जिसको हम 3D इफेक्ट बोलते हैं ना आज के टाइम पे, तो वो चीज़ भी हमें वहाँ पर देखने मिलती है, और सिर्फ रंगों और रेखाओं की मदद से। पॉइंट 15 पे पशु और पक्षियों का भावनात्मक वर्णन। उस समय की चित्रकला में शिवाय अजंता के कहीं भी पशु पक्षियों को इतना सुंदर चित्रण नहीं मिला है जैसे घोड़ा, बैल, हिरण, बंदर और शेर इत्यादि पशुओं का सजीवता और सुंदरता से चित्रांकन किया गया है। मोर, बत्तख, हंस, इन पक्षियों का चित्रांकन भी अजंता में किया गया है। गुफा नंबर 10 में एक भित्ति पर 50 के लगभग हाथियों के चित्र बनाए गए हैं और अलग अलग मुद्रा में बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पॉइंट नंबर 16 है प्रकृति चित्रण। तो विभिन्न प्रकार के वृक्ष बनाए गए हैं जैसे केला, पीपल, आम, बरगद, खजूर, अलग अलग तरह के वृक्षों का अंकन अजंता में कलाकारों ने किया है। वस्त्र और आभूषण, अजंता में चित्रित वस्त्रों के अवलोकन से उस समय के फैशन का ज्ञान हो, परंतु कलाकारों के आभूषण में वस्त्रों के उत्कृष्ट डिजाइन की जो कल्पना है वो प्रशंसा के लायक है। किसी भी मूर्ति के जो आभूषण है वो एक जैसे नहीं है। नारी मूर्तियों में कान, हाथ में बाली, चूड़ियाँ, बाजूबंद, पायल, गले का हार, करधनी, मुकुट, ये सारे के सारे जो डिज़ाइन उसके अंदर बने हुए हैं वो तो आजकल के सुनार भी लगभग नहीं दे पाते, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो 17 जो विशेषताएं यहाँ पे आपको अजंता के चित्रों की मिलती हैं, इसमें से कोई सी भी आप 7-8 विशेषताएं याद कर लीजिए, जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप लिख देना, पूरी 17 याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये चित्र बेटा जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप लोगों को पता होगा ये चित्र क्या है, यस, पद्मपाणि बोधिसत्व। ये अजंता की गुफा संख्या एक से मिला है और ये आपके सिलेबस में है। चित्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये बुद्ध है जो मुख्य प्रतिमा, मैंने बताया था ना प्रभाविता का सिद्धांत इन्होंने प्रयोग में लाया है, जो मुख्य किरदार है उसको बाकी किरदारों की अपेक्षा बड़ा बनाया गया है। हल्के रंगों का प्रयोग उस पर किया है, चटक रंगों का प्रयोग। तो ये एक महात्मा बुद्ध का फेस है जिसको पद्मपाणि बोधिसत्व यहाँ पे बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि उनके हाथ में पद्म का फूल है, पद्म यानी कि कमल का फूल है, जो उनकी भौहें हैं उनको एक ही रेखा से, लयदार रेखा से बना दिया गया है। मुख पर सौम्य भाव है, सर पर भारी मुकुट है, इसके अलावा गले में हार हैं, ठीक है। त्रिभंग मुद्रा में ये खड़े हुए हैं, त्रिभंग मुद्रा मतलब शरीर को 3 भागों में इन्होंने मोड़ा हुआ है, जिस साइड में इनके कूल्हे हैं उसी साइड में इनका फेस है, इसको त्रिभंग मुद्रा बोलते हैं। इस चित्र के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, तो अजंता की महाराष्ट्र में है, मतलब पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता गुफा में है और अजंता महाराष्ट्र में है। जल रंगों से इनको बनाया गया है और ये भित्ति चित्र है। ईसा की 5वीं शताब्दी में इनको बनाया गया है, टेम्परा तकनीक से बनाया गया है। अब इस चित्र के बारे में अगर आप देखोगे तो पीछे ही वाली दीवार पर गुफा संख्या एक में इसको चित्रित किया गया है। बोधिसत्व के सीधे हाथ में पद्म का फूल है, जिसके कारण इनको पद्मपाणि बोधिसत्व कहा गया है। कंधों को मतलब पर्याप्त विस्तार दिया गया है, मतलब चौड़े कंधे बनाए गए हैं, शरीर में 3 घुमाव हैं यानी कि त्रिभंग मुद्रा है, जिससे गतिशीलता का भाव उत्पन्न हो रहा है। शरीर की बाह्य त्वचा के रंग में विस्तार के साथ संयोजित दिखाई पड़ती है कोमलता, सौम्यता, त्रिआयामी प्रभाव चित्र के अंदर, त्रिआयामी मतलब 3D इफेक्ट चित्र के अंदर दिखाया गया है। बोधिसत्व के सिर पर रत्नों से सुसज्जित बड़ा सा मुकुट है, बायां कंधा नीचे की तरफ झुका हुआ है, आंखें झुकी हुई हैं, दोनों बड़ी हैं, भौहें घुमावदार हैं किंतु नाक के ऊपर आपस में मिली हुई हैं। नाक को उभार देने के लिए त्वचा का रंग थोड़ा हल्का बनाया है।
सफ़ेद मोतियों वाले हारों के बीच में नीला रत्न लगा हुआ है जो कि इस हार को और चित्र दोनों को विशिष्टता प्रदान करता है। कोमल रेखाओं द्वारा शरीर का उतार चढ़ाव स्पष्ट किया गया है। बोधिसत्व के आसपास छोटी बड़ी बहुत सी आकृतियां दिखाई गई हैं जिसमें वानर, दैव्य शक्ति, नगरवासी और उनकी पत्नी यशोधरा हैं जो उनको आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे हैं। धड़ के ऊपर धागों की लट दिखाई गई है। घुमावदार रेखाएँ बहुत से आयाम और गति को उत्पन्न करती हैं। उनका जो बायां बाजू है उसके अंदर एक धागा बंधा है और उनका जो सीधा हाथ है उसमें एक पद्म का पुष्प है। कौन सा रंग इसमें प्रयोग में लाया गया है? तो हरा, लाल, भूरा, हरा, नीला रंग इसमें प्रयोग में लाया गया है। तो ये था बेटा पद्म पाणि बोधिसत्व जो आपके सिलेबस में है। दूसरा चित्र ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये महात्मा बुद्ध की आकृति है यहाँ पे जो कि पद्मासन मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और उनके आसपास कुछ अप्सराएं, महिला आकृति हैं जो डांस कर रही हैं और बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जो उनकी तपस्या को ऐसे ख़राब करने के लिए आए हैं, तोड़वाने के लिए आए हैं। इस चित्र का नाम है मार विजय। मार का मतलब है कामदेव। कामदेव को यहाँ पर मार देवता बोला गया है। तो कामदेव अपनी सेना के साथ आए हैं महात्मा बुद्ध की तपस्या को नष्ट करने के लिए। ये इस चित्र में यहाँ पर कलाकार ने दिखाया है। गुफा संख्या 26 का ये एक मूर्ति शिल्प है, अजंता महाराष्ट्र में है, बेसाल्ट की चट्टान पर बनाया गया है। 5वीं शताब्दी का है ये और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। ठीक है, एकमात्र मूर्ति शिल्प है जो अजंता की गुफाओं में बना है और सिर्फ गुफा संख्या 26 में बना हुआ है। चट्टान पर इसको उकेड़ा गया है। भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे समाधि में ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। मारा एक असुर शक्ति है जो अपने हाथी पर सवार है और उनके हाथी का नाम गिरी मेखला है और 10 अंगी सेना अपने साथ लेके आया है। काम, क्रोध, देश, तृष्णा, लालसा, आक्रमण्यता, कायरता, संदेह, अहंकार और अज्ञानता, और अपनी तीनों पुत्री तरहा, अराती व राग भी उस दल का सदस्य हैं। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध को परेशान कर रहे हैं। उनकी जो ज्ञान जो वो प्राप्त करना चाहते थे उनसे उन्हें वंचित रखना चाहते हैं। तो यही चीज़ जो है इस चित्र में दिखाई गई है। शिल्प की जो प्रमुख विशेषता ये है कि इस शिल्प में, इस शिल्प का मतलब है मूर्ति, अजंता की परिपक्व शिल्प कला शैली हमको यहाँ पर देखने मिल जाती है। जीव और मानव आकृतियों की गतिशीलता और चंचलता किस प्रकार चित्र कलाकार ने दिखाई है वो पता चल जाती है। मार अपनी सेना के साथ है, हाथी पर सवार है, बहुत सारी मानव आकृति, जानवर, राक्षस इस चित्र में बनाए गए हैं, भाव के साथ बनाए गए हैं। महिला आकृति जो कि कहा गया है कि भाई मार की पुत्रियां हैं वो सभी नृत्य कर रही हैं और प्रलोभनों के साथ महात्मा बुद्ध को रिझा रही हैं। तो ये हैं कुछ विशेषताएं इस चित्र की। ठीक है, इस चित्र को जो दूसरा नाम है मार पर बुद्ध की विजय या मार विजय नाम से भी जाना जाता है और महात्मा बुद्ध को इस मूर्ति में पद्मासन मुद्रा में बैठाया गया, दिखाया गया है बोधि वृक्ष पेड़ के नीचे। एक विशाल मूर्ति शिल्प है और वह कटक काल में ही इस मूर्ति शिल्प का अंकन भी किया गया है। तो ये था बेटा आपका सेकंड मूर्ति शिल्प जो कि आपके सिलेबस में था। अजंता में सिर्फ दो ही हैं, एक पद्म पाणि बोधिसत्व जो कि एक भित्ति चित्र है और दूसरा मार विजय जो कि एक मूर्ति शिल्प है, गुफा संख्या 26 में मिला है। तो ये दोनों आपके सिलेबस में थे, आपने इन दोनों को पढ़ लिया, अजंता के बारे में जान लिया। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा, टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलना।